हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास है बहुत ही दोनों ब्यूटीफुल बाइक। वन साइड है डोमिनर 400 यूजी एंड दूसरी तरह है 2024 ड्यूक 390, जो कि अभी अभी हमारा इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। गाइस, दोनों ही जो बाइक है 300 to 400 सीसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो गाइस, आज हम देखेंगे कौन सा बाइक का फीचर ज़्यादा है, टॉप स्पीड ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो सब कुछ डिटेलिंग के साथ मैं आपसे शेयर करूँगा। दोनों बाइक का लुक्स की बात करें तो दोनों ही जो बाइक है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बट गाइस, अगर हम ड्यूक को देखें तो ईच एंड एवरी एंगल से गाइस जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही मस्क्यूलर लग रहा है। सो गाइस, लुक्स अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी को डोमिनर अच्छा लगेगा, किसी को ड्यूक अच्छा लगेगा। गाइस, अगर हम दोनों बाइक का हेडलाइट को देखें तो डोमिनर के अंदर आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाएगा, इसके अंदर आपको कोई भी DRL नहीं मिलेगा। वही दूसरी तरह अगर हम KTM ड्यूक को देखें तो इसके अंदर आपको बूमेरंग शेप की LED DRL मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आई कैची लग रहा है। साथ ही साथ गाइस, इसके अंदर भी आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाएगा। दोनों बाइक का ही जो नाइट थ्रो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम दोनों बाइक का इंडिकेटर को देखें तो दोनों बाइक के अंदर ही एग्जैक्टली सेम इंडिकेटर यूज़ हुआ है। जैसे ही गाइस, आप लोग जानते हो KTM एंड बजाज बहुत सारे पार्ट्स सेम यूज़ करता है। अगर हम रियर टेल लाइट को देखें तो डोमिनर के अंदर आपको स्प्लिट टेल लाइट मिल जाएगा, वही दूसरी तरह ड्यूक 390 के अंदर आपको फुल्ली न्यू LED सेटअप मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आई कैची लग रहा है। सो गाइस, आप नीचे कमेंट करके बोलना कौन सा बाइक का हेडलाइट, टेल लाइट, लुक सबको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट गाइस, अगर हम दोनों बाइक का सस्पेंशन को देखें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको USD फोक्स मिल जाएगा। बट ड्यूक का जो सस्पेंशन है दैट इज 2-स्टेप एडजस्टेबल एंड रियर में दोनों बाइक के अंदर ही आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलेगा। गाइस, अगर हम दोनों बाइक का टायर को देखें तो डोमिनर के अंदर आपको MRF की टायर मिल जाएगा, वही दूसरी तरह ड्यूक के अंदर आपको मिशेलिन की टायर मिल जाएगा। अगर हम टायर साइज को देखें तो दोनों बाइक का ही जो फ्रंट टायर साइज है एग्जैक्टली सेम, 110/70 सेक्शन का टायर दोनों बाइक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। एंड अगर हम रियर प्रोफाइल को देखें तो रियर में भी दोनों बाइक के अंदर आपको 150/60 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। बट गाइस, एज कम्पेयर टू डोमिनर, ड्यूक का जो टायर है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। गाइस, दोनों ही जो बाइक है डुअल चैनल ABS के साथ आ रहा है एज ए स्टैंडर्ड। दोनों बाइक के अंदर ही आपको बाइब्रिकी कैलिपर मिल जाएगा। अगर हम फ्रंट डिस्क ब्रेक को देखें तो 320mm का दोनों बाइक के अंदर ही आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा एंड रियर में दोनों बाइक के अंदर ही आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। गाइस, यहाँ पर जो स्टॉपिंग पावर है ऑब्वियसली ड्यूक के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, बिकॉज ड्यूक इज़ वेरी लाइट वेट। आप लोग भी जानते हो, अगर हम 300 to 400 cc के अंदर देखें तो KTM का जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है सबसे बढ़िया है। गाइस, अगर हम दोनों बाइक का फ्यूल टैंक को देखें तो डोमिनर के अंदर आपको 13 लीटर का टैंक मिल जाएगा, वही दूसरी तरह ड्यूक 390 के अंदर आपको 13.5 लीटर का टैंक मिल जाएगा। अगर हम दोनों बाइक का माइलेज को देखें तो अप्रॉक्स 20 से लेकर 25 तक माइलेज दोनों बाइक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। गाइस, अगर हम दोनों बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर नज़र डालें तो डोमिनर के अंदर आपको यहाँ पर दोनों डिस्प्ले मिल जाएगा। दोनों ही जो डिस्प्ले है यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले, वन स्मॉल डिस्प्ले आपको फ्यूल टैंक के ऊपर प्रोवाइड किया गया है एंड दूसरा इसका मेन डिस्प्ले। गाइस, अगर हम इसका फीचर को देखें तो इसके अंदर आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, माइलेज, डिस्टेंस टू MT, साइड स्टैंड इंडिकेटर, क्लॉक, सो जो जो बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरी तरह गाइस, अगर हम ड्यूक 390 को देखें तो इसका जो मीटर है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। गाइस, अगर हम इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो इसके अंदर आपको 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिल जाएगा एंड दिन एंड रात के हिसाब से ये जो डिस्प्ले है इसका कलर चेंज होता है। इसके अंदर आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, माइलेज, डिस्टेंस टू MT, क्लॉक, टेम्परेचर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, टर्न बाई टर्न, नेविगेशन, SMS अलर्ट, कॉल, मैसेज, सो सब कुछ शो करता है। साथ ही साथ गाइस, इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको तीनों राइडिंग मोड भी कंपनी ने उपलब्ध किया है। साथ ही साथ गाइस, इस बाइक के अंदर आपको सुपर मोटो ABS भी मिल जाएगा एंड सबसे बढ़िया चीज़ गाइस, इस बाइक के अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिल जाएगा, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी बाइक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। गाइस, अगर हम फीचर वाइज देखें तो ड्यूक 390 डोमिनर से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर हम दोनों बाइक का इंजन को देखें तो डोमिनर 400 UG के अंदर आपको 373 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज 40 BHP 8500 RPM। अगर हम टॉर्क फिगर को देखें तो 36 Nm टॉर्क एट 6500 RPM। साथ ही साथ गाइस, इस बाइक का जो मैक्सिमम टॉप स्पीड है दैट इज अप्रॉक्स 170 km/h। दूसरी तरह गाइस, अगर हम ड्यूक 390 को देखें तो इसके अंदर आपको 399 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज 44 BHP एट 9500 RPM।
अगर हम टॉर्क फिगर को देखें तो 39 Nm टॉर्क एट 8500 RPM। साथ ही साथ गाइस इस बाइक का जो टॉप स्पीड है अप्रॉक्स 175 से लेके 180 किलोमीटर पर आवर। गाइस एज कम्पेयर टू डोमिनर 400 ड्यूक 390 का जो वेट है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। साथ ही साथ गाइस इस बाइक का जो पावर है वो भी आपको डोमिनर से ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए गाइस इस बाइक का जो इनिशियल पिकअप है, इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो भी डोमिनर से बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस आप जो चीज़ पे आता है दैट इज़ प्राइस। अगर हम डोमिनर 400 को ऑन रोड प्राइस को देखें तो अप्रॉक्स 2,90,000 से लेके 3,00,000 के अंदर ये जो बाइक है आपको मिल जाएगा। दूसरी तरह गाइस अगर हम ड्यूक 390 को देखें तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 4,00,000 के करीब इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है। दोनों बाइक का प्राइस में लगभग 90 से लेके 1,00,000 का डिफरेंस है। गाइस देखा जाए तो डोमिनर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज 3,00,000 के अंदर इससे बढ़िया पावर दूसरा किसी बाइक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। गाइस अगर देखा जाए तो दोनों ही जो बाइक है अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट है। आप नीचे कमेंट करके बोलना कौन सा बाइक आपको ज़्यादा फेवरेट लगा एंड कौन सा बाइक आप ले रहे हो। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। सी यू सून, बाय बाय, लव यू।